मंत्र राज नित्य जपे तुम्हारा, जो गुरु कृपा से मिला मंत्र राज है जपिए, परिवार सहित पूजहि तुमहि, सब परिवार पूजन करें। हम सब मिलके आए दाता तेरे दरबार, भर दे झोली सबकी तेरे पूर्ण भंडार सहित परिवारा। तर्पण पितृ तर्पण अर्पण, पितृ तीर्थ से प्रजापति, तीर्थ से प्रजापति, ब्रह्म तीर्थ सप्तऋषियों का यहाँ से, अरे सूर्य भगवान का अग्रे से, कितना विधान है, ऋषियों ने क्या नहीं लिखा। होम यज्ञ करे, आहुति समर्पित करे, देवताओं को भोजन कराए, संदेश भिजवाए। हाँ भगत जी कर रहे हैं, सब भगत जी कर रहे हैं। ब्राह्मण देवताओं को भोजन कराए, दे बहु दाना और उनको भेंट करे, दे बहु दाना। कुछ लोग विरोध करते हैं ऐसा, ब्राह्मण को ही भोजन कराना, अरे कुकुर को कराओ, लिखा है सो बता दिया जा रहा है, तुम चांडाल को कराओ, कौन मना करता है। ब्राह्मण के मुख में भगवान है, ब्राह्मणो समुखमासीत बाहु राजन्यः कृतः उरु तदवश्य पदभ्यां गौ शूद्रो वजायत। ब्राह्मणो समुखमासीत, ब्राह्मण के मुख स्वरूप भगवान साक्षात प्रभु है, इसलिए यहाँ महर्षि वाल्मीकि बाबा कहते हैं विप्र जमाय दे बहु दाना, जितना हो सके दान करो। अब दान करने से क्या होगा, अब क्या होगा, कहा तो सुबह से शाम दिन भर खाते हो, क्या होता है, कुछ नहीं होता है। जो करता है उसको पता चलता है कि क्या होता है, ऐसे बताने से थोड़ी होगा, करो तो पता चलेगा क्या होता है। प्रतिनिधि हैं ये जो ब्राह्मण लोग हैं, ये भगवान के प्रतिनिधि हैं। कोई भी ब्राह्मण देवता है आदर पूर्वक सेवा करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, नहीं करे उत्पात जीवन में उपस्थित होता है। दे ये बहुदान, देखिए कल एकादशी व्रत है, क्या है एकादशी व्रत है, तो सबको व्रत रहना चाहिए, जिसका शरीर सक्षम हो उसको व्रत अवश्य रहना चाहिए। 13 साल से छोटे बच्चों, वृद्धावस्था जो अपने को बूढ़ा मान ले, रोगी और सगर्भा माताओं को व्रत में रहना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि इनके जीवन का पोषण अन्य भाव से भगवान की कृपा से होता है। बच्चों की बढ़ती अवस्था है, 13 से ऊपर हो गए तो उनका भाव है तो रखना चाहिए। एकादशी व्रत 108 पूर्ण कर लेना चाहिए, इससे महात्मा महाराज रुक्मांगद और महाराज अम्बरीश ये संदेश देते हैं, 78 शत एकादशी जो रह लेता है भगवान का पार्षद बन जाता है, भगवान उसका संहार करते हैं, यमदूत उनसे सावधान रहते हैं, स्पर्श नहीं करते हैं, इसलिए 108 एकादशी व्रत करना ही चाहिए। अब महाराज नियम क्या है, कोई नियम नहीं है, अन्न न खाओ फलाहार करो, लेकिन सावधान शरीर स्वस्थ हो तभी व्रत में प्रवेश करे, नहीं कल को कोई आवे कि महाराज आपने कहा व्रत कर लो, हमारी पत्नी की तबीयत खराब हो गई, तो हम तबीयत बिगाड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं, शरीर आपका स्वास्थ्य दे, स्वस्थ हो तो व्रत में प्रवेश करना चाहिए, करना अवश्य चाहिए, और नहीं तो हरिहर विधि बहुत लिखी है, और विधि क्या है वो स्टॉल पर ग्रंथ होगा, एकादशी व्रत कैसे करें उसके आश्रय में करें, नहीं तो महात्माओं ने अनेक ग्रंथ छापे हैं, निर्णय सिंधु है और भी ग्रंथ हैं, सब जगह वर्णन है, किसी ग्रंथ का आप आश्रय कर विधि समझें। विप्र देवाय दे बहु दाना, तुम ते अधिक गुरु ही जिए जानी, सकल भाय मनसा वाचा कर्मणा सेवही, सन्मान पूर्वक आदर पूर्वक सतगुरुदेव भगवान की सेवा करे। और ये फल क्या, सब करी मांग ही एक फल, रामचरण रत हो के मन मंदर बस सियर भो नंदन।
सब सत्कर्म करके एक फल आपके श्री चरणों में प्रीत की दृढ़ता हो प्रभु, उनके हृदय में आप वास करिए। पांच स्थान बताए, आगे के जो नौ स्थान है वो आप पारायण कर लेंगे। 14 स्थान महर्षि वाल्मीकि जी ने प्रभु को सुनाया है हम सब भागवतों के लिए, तो हम इसको गान करें, स्मरण करें।